वरुण धवन और अनुष्का शर्मा स्टारर फिल्म सुई धागा मेड इन इंडिया बॉक्स ऑफिस पर अपनी अच्छी खासी पकड़ बनाई हुई है और इस फिल्म ने अब तक 50 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा पार कर लिया है। इसी के साथ ही मंगलवार को गांधी जयंती की छुट्टी होने की वजह से इस फिल्म को दर्शकों का अपना अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन इसी बीच इस फिल्म को एक बड़ा झटका लग सकता है। जी हाँ, फिल्म सुई धागा मेड इन इंडिया ऑनलाइन लीक हो गई है। रिपोर्ट्स की माने तो ये पूरी फिल्म इंटरनेट पर मौजूद है और कुछ वेबसाइटों पर फिल्म का प्राइवेट प्रिंट भी है, तो कहीं कुछ वेबसाइटों पर इस फिल्म का HD क्वालिटी में भी पूरी की पूरी फिल्म दिखाई दे रही है। दर्शक न केवल इस फिल्म को ऑनलाइन देख रहे हैं बल्कि इसे डाउनलोड भी कर रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बारी फिल्म ऑनलाइन लीक हो गई है। पायरेसी की वजह से बॉलीवुड फिल्मों को अक्सर नुकसान उठाना पड़ता है। दर्शक सिनेमाघरों में जाने की बजाय पायरेटेड वर्जन डाउनलोड कर पर ही फिल्में देख लेते हैं और ऐसे में फिल्म के मेकर्स को काफी भारी नुकसान उठाना पड़ता है। सुई धागा फिल्म में वरुण धवन और अनुष्का शर्मा का काफी बेहतरीन रोल देखने को मिला और इस फिल्म में वो ममता और मौजी का किरदार निभाते नजर आए, क्योंकि हमने इन दोनों बेहतरीन कलाकारों को साधारण रूप में देखा। इसी के साथ ही इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से मिले जुले रिएक्शन भी मिले। इसी के साथ ही फिल्म ने अब तक 55 करोड़ का बिजनेस कर लिया है और माना जा रहा है कि ये फिल्म आगे जाके 100 करोड़ तक भी पहुंच सकती है।